गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाहे आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। सुभान अल्लाह, ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। सुभान अल्लाह, गुजरात को मिला है। और गुजरातियों एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाहे आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाहे आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ तकलीफ में हफ्ते बीत गए, और बीतने के बाद जब दर्सगाह में पहुंचे यानी क्लासरूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो, तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाहे आलम पूछते बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुंच गए? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। फिर शाहे आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाहे आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, वहां से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने नागाना किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाहे आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए, और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमत दो जहां ने इशारा दिया, ए शाहे आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। और सुनो, ये आला हजरत इस वाक्यों को लिखते हैं। और दोस्तों, जब शाहे आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाहे आलम इस पर नहीं बैठेगा। किस क्यों? इस पर तो रसूल दो आलम बैठ के गए हैं। और कहा है, बच्चों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या हुजूर कोई का रूप लेके आ सकते हैं? उलमा बैठे नहीं, आशिक बोल रहा है इश्क की दुनिया में, आशिकों के बीच में आशिक एक पैगाम दे रहा है। क्या मामला था? हुजूर कोई का रूप क्या ला सकते हैं? सारी दुनिया हुजूर के रूप से चल रही है, हुजूर के रंग से चल रही है। पता क्या चला? ये शाहे आलम कोई मामूली नहीं है। अगर शाहे आलम की हकीकत समझना चाहे तो इतना जानो, 10 दिन तक बच्चे समझ ना पाए कि शाहे आलम है कि रसूले दो आलम है। पता क्या चला? शाहे आलम हम सभी सरकारे दो आलम है। ये गुजरात की धरती को एजाज हासिल है कि जहां हुजूर ने खुद आकर के दर्स दिया हो। एक गुजरात